ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू और महामंत्री रविशंकर सिंह के नेतृत्व में दुर्ग सांसद विजय बघेल से मुलाकात की और सांसद को ज्ञापन सौंपकर बीएसपी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्यूआर कोड प्रणाली को बंद करने का आग्रह किया। शनिवार को भिलाई इस्पात संयंत्र की मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस से संबद्ध भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू और महामंत्री रविशंकर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने दुर्ग सांसद विजय बघेल से उनके निवास में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने सांसद को बताया कि संयंत्र गेट पर प्रवेश करते समय कर्मचारियों से वाहन के लिए क्यूआर कोड मांगा जा रहा है, जिससे संयंत्र गेट पर अनावश्यक जाम की स्थिति बन रही है। कर्मचारी हित में इस प्रणाली को तत्काल बंद किए जाने की जरूरत है। ज्ञापन लेकर सांसद ने बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। इस संबंध में सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी जो एक इन्होंने क्यूआर कोड लागू की है भिलाई स्टील प्लांट में जो कर्मचारी है उनके लिए, कि ये गाड़ी नंबर रहेगा, चाहे उनके पास दो गाड़ी रहे, तीन गाड़ी रहे, चार गाड़ी रहे, ये बता रहे हैं मेरे। और कारण ये बता रहे हैं कि अक्सर गाड़ियां चोरी होती हैं और गाड़ियों में कोई अपराध हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो रिकॉर्ड में बीएसपी का रहे, ये वो कारण बता रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने ये क्यूआर कोड लागू किया है, लेकिन अभी हमारे बीएमएस के साथी आए हैं कि दिक्कत इस बात की है कि अगर किसी के पास एक ही गाड़ी है और एक गाड़ी अगर पंचर हो गया, कोई ख़राब हुआ है, तो दूसरी गाड़ी ले जाने में उसको तत्कालिक तौर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो परेशानी फिर गेट में आएगी। और अक्सर देखा जा रहा है कि गेट में भीड़ भी लग रही है, लोग लाइन लगाए खड़े हैं, समय पे अपनी ड्यूटी में अपने विभाग में पहुँच नहीं पा रहे हैं। और ये दिक्कत के कारण अभी मैंने डीआईसी साहब से बात की कि ये जो परेशानी आ रही है उसको दूर करिए, और जब भी ऐसे निर्णय आप ले, महत्वपूर्ण निर्णय, तो एक समन्वय समिति बनाइए, सभी यूनियन के लोगों को उसमें सम्मिलित करिए, जो मान्यता प्राप्त जो अभी लीडिंग पोजिशन में जो है बीएमए से अभी, उनके दो तीन प्रतिनिधि उसमें शामिल करिए, बाकी भले एक एक करिए, और जो भी निर्णय होते हैं उसको पहले उसमें रखिए कमेटी में, उसके बाद अगर सबको वो सहमति हो तभी ये सब नियम लागू। वो बोले कि मेरे से बात करने बोलिए, अभी तक मेरे पास तो यूनियन के माध्यम से शिकायत नहीं आई है, और मेरे से मिल लें और मैं बैठ के बात कर लेता हूँ क्या परेशानी है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने सांसद को दिए ज्ञापन को लेकर जानकारी दी। जी भी भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस द्वारा आज हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी के यहाँ हम सारे पदाधिकारी उनसे मिलने सौजन्य भेंट करने आए थे, उन्हें एक ज्ञापन सौंपे हैं। जो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दबावपूर्ण क्यूआर कोड जो बीएसपी कर्मचारियों के ऊपर सौंपा जा रहा है वो गलत है, उसका हमने दो महीने पहले भी पुरजोर पूरा बीएमएस की ओर से विरोध किया है। उन्होंने उसके बाद भी धीरे धीरे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे आदरणीय सांसद जी को ज्ञापन दिए कि तत्काल ये बंद होना चाहिए, भिलाई इस्पात संयंत्र कोई चारागाह नहीं कि हमेशा कोई भी चीज़ को सौंपा जाए, हम लोग इसके लिए इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर बंद नहीं किया तो हम लोग ऊपर आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अभी सांसद महोदय से आप लोगों की चर्चा है, किस तरह का आश्वासन मिला? सांसद महोदय से हमको पूर्ण आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में बंद करवाया जाएगा। बहरहाल यूनियन के पदाधिकारियों ने सांसद से इस्पात मंत्रालय एवं सेल स्तर पर बीएसपी में लागू क्यूआर कोड प्रणाली को बंद कराने पहल करने का निवेदन किया है। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।